वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 10, घंटी कौन बांधेगा। उसके अंदर एक चूहे और बिल्ली की कहानी है। उस कहानी के अंदर एक घर है जिसके अंदर 20 चूहे रहते थे और वो 20 चूहे हर रोज मजे से खाते, खेलते और आराम से सो जाते थे। एक दिन उस घर में एक बिल्ली आ जाती है जिसको देखकर घर में भगदड़ मच जाती है। बिल्ली इतने सारे चूहों को देखकर मन में ये सोचती है कि क्यों न मैं यहीं रह जाऊं ताकि मुझे हर रोज आसानी से खाना मिल जाए। ओके, ऐसा सोच के वो बिल्ली उसी घर में रह जाती है। जैसे ही कोई चूहा बाहर बिल से बाहर निकलता, बिल्ली उसे मारकर खा जाती। इसी वजह से सारे चूहे अभी परेशान हो गए थे क्योंकि उनका घर बिल में से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। तो सारे चूहे मिलकर एक सभा बुलाते हैं और सभा के अंदर एक बूढ़े चूहे को उनका नेता बनाते हैं और फिर वो लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं कि हमें बिल्ली से बचने का कुछ उपाय करना चाहिए वरना हम थोड़े ही दिनों के अंदर बिल्ली के पेट में चले जाएंगे। तो उसके अंदर एक जो स्मार्ट चूहा होता है वो एक आइडिया देता है कि क्यों ना हम बिल्ली के गले में घंटी बांध दे। घंटी की आवाज से जब भी वो हमारे पास आएगी हम उसकी आवाज सुनकर सावधान हो जाएंगे और वहां से भाग जाएंगे। ऐसा एक चूहा आइडिया देता है। अभी वो चूहे की आइडिया को सब लोग कैसे फॉलो करते हैं वो हम देखेंगे। आगे देखेंगे। यह सुनकर 16-17 नंबर के चूहे खुश होकर नाचने लगते हैं। क्या सुनकर? कि हमें बिल्ली के गले में घंटी बांधनी चाहिए। तो ये तरीका, ये उपाय सुनकर 16-17 नंबर के चूहे खुश होकर नाचने लगते हैं। नेता बना चूहा बोला, इसमें खुश होने की बात नहीं है, पहले यह तो बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। ओके, चूहे की आइडिया से सब खुश तो हो जाते हैं, पर जो बूढ़ा चूहा है जिसे उन्होंने नेता बनाया है वो सबको ये बताता है कि इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है, पहले ये तो बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने कौन जाएगा। यह सुनते ही तुम बांधोगे कहते हुए चूहे आपस में लड़ने लगे। बूढ़े चूहे की, नेता चूहे की बात सुनकर सब चूहे क्या करने लगे, ये आपस में लड़ने लगे कि तुम बांधने जाओगे बिल्ली के गले में घंटी, तुम बांधने जाओगे बिल्ली के गले में घंटी, ऐसा करके वो लोग लड़ने लगे। इस लड़ाई को देखकर चूहा नंबर 18, 19 और 20 ने सबको चुप होने का संकेत दिया। सारे चूहे को लड़ता हुआ देखकर 18, 19 और 20 नंबर के जो चूहे थे उन्होंने सबको चुप रहने को कहा, चुप रहने का संकेत दिया। सभी चूहों ने शांत होकर एक योजना बनाई। अब क्या करते हैं, सारे चूहे शांत हो जाते हैं और फिर ये योजना बनाते हैं कि हम लोग कैसे बिल्ली के गले में घंटी बांध सकते हैं। योजना के अनुसार दो चूहे छिपकर आवाज बदलकर जोर जोर से बातें करने लगे। उस योजना के अनुसार उन्होंने काम शुरू कर दिया। उस योजना में क्या था कि सबसे पहले दो चूहे हैं वो छुपकर आवाज बदलकर जोर जोर से बातें करेंगे, तो ऐसा करना उन्होंने शुरू कर दिया। और अभी वो क्या बात करते हैं, जो कोई आंख बंद करेगा उसके सामने दूध मलाई का कटोरा आ जाएगा। दो चूहे क्या बात कर रहे हैं कि जो भी आंखें बंद करेगा, जो कोई भी आंखें बंद करेगा उसके सामने दूध मलाई का कटोरा आ जाएगा, ऐसा दो चूहे बातें कर रहे हैं और वो भी अपनी आवाज बदलकर। ओके, बिल्ली छिपकर उनकी बातें सुन रही थी। ये दोनों बातें कर रहे थे, उसको क्या कर रही थी, बिल्ली छिपकर सुन रही थी क्योंकि ये उनकी प्लानिंग का ही एक हिस्सा था कि बिल्ली उनकी ये वाली बात सुने। ओके, यह सुनते ही बिल्ली ने अपनी आंखें बंद की और कल्पना करने लगी कि वह दूध मलाई खा रही है। चूहों ने जो आवाज बदलकर बात की वो आवाज सुनकर बिल्ली को ऐसा लगा
कि सच में आंख बंद करने से दूध मलाई मिल सकती है, क्योंकि बिल्ली को तो दूध पीना कितना पसंद होता है। तो जैसे ही दूध मिल सकता है इस तरह से ये बात उसने सुनी, तुरंत ही उसने वो आइडिया को फॉलो करने का सोच लिया और तुरंत ही उसने अपनी आंखें बंद कर दी और कल्पना करने लगी। कल्पना का अर्थ होता है सोचना, सोच, ओके, इमेजिनेशन, यानी वो इमेजिन करने लगी कि सच में वो दूध मलाई खा रही है, उसके उसके सामने दूध मलाई का कटोरा रखा हुआ है और वो खा रही है, ऐसा वो दिमाग में सोचने लगी। देखो ये पिक्चर के अंदर भी दिया गया है, यहाँ पे दो चूहे बातें कर रहे हैं और यहाँ पे बिल्ली आंख बंद करके दूध मलाई के बारे में सोच रही है। बिल्ली की आंखें बंद देख चूहों ने चुपके से बिल्ली के गले में घंटी बांध दी। देखो क्या किया उन्होंने, जैसे ही बिल्ली आंख बंद करके दूध मलाई के बारे में सोचने लगी, तुरंत ही एक चूहा आया और उसने क्या किया, बिल्ली के गले में धीरे से घंटी को बांध दिया। बिल्ली के हिलते ही घंटी बजी और बिल्ली को सारी बात समझ में आ गई। बिल्ली जब ये सोच रही थी तो सोते सोते सोच रही थी, तब वो उसकी आंखें बंद थी, तब वो थोड़ा सा हिलती है तो अभी उनके गले में घंटी बंध चुकी है, तो वो घंटी तुरंत आवाज करने लगी और घंटी की आवाज सुनकर बिल्ली की आंख खुल जाती है और उसको पूरी बात समझ में आ जाती है कि ये चूहों ने मिलकर मेरे साथ ऐसा किया। ओके, वह अपने लालच पर पछताने लगी। लालच का अर्थ होता है लोभ, ग्रीड। ओके, तो बिल्ली को अभी क्या होने लगा, पछतावा होने लगा कि उसने, उसको चूहे खाने को तो हर रोज मिल ही रहे थे, क्यों उसने इन लोगों की, दो चूहों की बातों में आकर लालच करके दूध मलाई खाने के बारे में सोचा। ओके, तो उसको अपनी लालच के बारे में पछतावा होने लगा। लालच के कारण उसको दूध मलाई भी नहीं मिली और चूहों को खाने का रास्ता भी बंद हो गया। उसने जो लालच की उसके कारण क्या हुआ, अभी उसके गले में घंटी तो बंद गई, वो उसको खुद से तो निकाल सकती नहीं, तो उसके कारण अब जो चूहे उसको खाने को मिल रहे थे वो घंटी की आवाज के कारण अभी उसको मिल पाएगा नहीं, और दूध मलाई भी उसको मिलने वाली थी नहीं। ओके, तो उसको लालच के कारण उसको क्या हुआ, उसको दोनों खाने के रास्ते उसके बंद हो गए। परेशान बिल्ली चुपचाप उस घर से चली गई और चूहे फिर से आजादी से रहने लगे। अभी बिल्ली क्या हो गई, परेशान हो गई, क्योंकि ना ही उसको चूहे खाने को मिल रहे थे ना ही दूध मलाई, तो उस घर में रह के वो क्या करती, इसीलिए वो वहां से चुपचाप दूसरे घर में चली जाती है और फिर चूहे को आजादी से, फिर चूहे को वापस आजादी मिल जाती है, पहले जो वो रहते थे वैसे अब वो रहने लगी। आजादी का अर्थ होता है मुक्ति, फ्रीडम, तो अभी वो अच्छे से आजादी से, फ्रीडम से वापस वो घर में रहने लगे। तो ये कहानी से हमें क्या बोध मिलता है, जो हमने पेंसिल का अंतिम चित्र देखा था कहानी, वो कहानी का बोध और ये कहानी का बोध सेम ही है कि किसी भी समस्या का समाधान हम हल निकाल सकते हैं, किसी समस्या या समाधान किसी भी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं, उसका हल हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पूरे चैप्टर की समझूती खत्म होती है। हर चैप्टर के हर पेज के नीचे उसका इंग्लिश वर्जन, ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर इंग्लिश में दिया गया है, तो आप सबको वो बढ़ने की कोशिश करनी है। अब हम देखेंगे अभ्यास। अभ्यास के अंदर सबसे पहले दिया गया है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान के अंदर है शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग, उसके अंदर जो सारे वर्ड है वो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते हुए तो बता दिए है, पर एक बार उसको देख लेते हैं। घबराए, उसका अर्थ होता है डरे, नर्वस। उपाय, उसका अर्थ होता है तरीका, विधि, ट्रिक। सभा, उसका अर्थ होता है बैठक, मीटिंग। नेता, उसका अर्थ होता है नायक, लीडर। सावधान, उसका अर्थ होता है सचेत, अवेयर। कल्पना, उसका अर्थ होता है सोच, इमेजिनेशन। लालच, उसका अर्थ होता है लोभ, ग्रीड।
आजादी, उसका अर्थ होता है मुक्ति, फ्रीडम। अब देखेंगे कुछ समानार्थी शब्द। घबराए, उसका समानार्थी शब्द होता है भयभीत। जान, उसका समानार्थी शब्द है प्राण। खोजना, उसका समानार्थी शब्द है ढूंढना। गला, उसका समानार्थी शब्द है कंठ। सावधान, उसका समानार्थी शब्द है सचेत। लड़ाई, उसका समानार्थी शब्द है झगड़ा। अब देखेंगे कुछ मुहावरे। मुंह में पानी आना, यानी किसी वस्तु को पाने की इच्छा से ललचाना। ओके, चैप्टर में हमने देखा था ना। भगदड़ मचना, यानी अचानक भय से इधर उधर भागना। ओके, तो यहाँ पे हमारे पूरे चैप्टर की समझूती और उसके अभ्यास का शब्द ज्ञान खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के आगे के पार्ट में आगे बढ़ेंगे। बाय स्टूडेंट्स।